नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका N24 न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं झारखंड के खबरों की ओर। गैंग्स ऑफ वासेपुर के मुख्य सरगना फहीम खान और उनके पुत्र इकबाल खान को आज अदालत से बड़ी राहत मिली। जेल में रहकर रंगदारी मांगने और फायरिंग के दो विभिन्न मामलों में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर के फहीम खान के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला बैंक मोड़ थाना में दर्ज किया गया था। 11 दिसंबर 2013 को बैंक मोड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार के स्वलिखित बयान पर हजारीबाग जेल में बंद फहीम खान के विरुद्ध बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या 274/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद फहीम ठेकेदारों एवं कारोबारियों से रंगदारी की मांग कर रहा है, जिस कारण कारोबारियों में दहशत मची हुई है। इकबाल खान के विरुद्ध 26 फरवरी 2016 को बैंक मोड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि 26 फरवरी की शाम 7 बजे इकबाल खान ने वासेपुर आरा मोड़ के समीप भीड़भाड़ वाले इलाके में 6 राउंड गोली फायरिंग की थी, जिससे वहां के लोगों में और दुकानदारों में दहशत फैल गई थी। हालांकि दोनों ही मामले कोर्ट में साबित नहीं हो सके। वहीं इकबाल खान ने कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाकर FIR किया गया था, जिसमें आज उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं प्रिंस खान को लेकर इकबाल ने कहा कि प्रिंस छिपकर पुलिस और उसे धमकी दे रहा है, दम है तो सामने आए। अब अगर प्रिंस ने उसके किसी भी आदमी, यहाँ तक कि उसके गाय बकरी को भी छुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तत्कालीन ऑफिसर इंचार्ज जो थे बैंक मोड़ के रमेश कुमार, उन्होंने के जो धनबाद में टेक्निकल सेल है पुलिस का, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया कि एक मोबाइल नंबर दिया कि इस नंबर से फहीम खान अपने लोगों और कुछ रेलवे ठेकेदारों को धमकी दे रहे हैं टेंडर मैनेज करने के नाम पर रंगदारी के लिए। उस केस में आज जजमेंट आया, उस केस में भी फहीम खान को रिहा किया गया, क्योंकि उसमें भी कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि फहीम खान किससे रंगदारी मांगा। ना तो फहीम खान के नाम से मोबाइल फ़ोन था, ना सिम कार्ड था, ना उनके पास से कोई रिकवर हुआ था। कोई भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में कोई भी विटनेस आके ये नहीं बोला कि फहीम खान हमको धमकी दिया था। उस आधार पे आज फहीम खान को एक्यूटल किया गया, जो श्री मनोज कुमार इंदवर जुडिशल मजिस्ट्रेट। और वो अभी क्या उसकी माँ दी है पटिशन वटिशन ना, पुलिस सब सच जान रहा है कौन उससे जुड़ा कौन नहीं। पटिशन से कुछ नहीं होने वाला, और बोलता है ना इसको मारेंगे उसको मारेंगे। हम भी वासेपुर का पैदा है, इस बार मेरा बकरी गाय को छू के दिखाए ना तो उसका औकात दिखा देंगे। हम भी उसी कोई उधर उधर लिख के देता ना कि मेरा उससे रिलेशन है। हम सबको जानते कौन उसका अपना कौन पराया, सब जानते हैं। और बिल में छू के तो कोई भी शेर बनता है, और वो जो बोलता है हमको और कानून को प्रशासन को सबसे कमज़ोर समझा है, निकले हमको और कानून को चैलेंज करता है सबसे कमज़ोर समझा निकले। और अमन सिंह तो खुल के जीमा लिया है कि लाला खान को मारा है, लाला खान उससे लड़ने का दम नहीं है, उसको सोना का चेना जूता भेजा रहा है जेल में।